हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टियां, वो पॉलिटिक्स पार्टियां, वो राजनीतिक पार्टियां जो MIM का सपोर्ट कर रही है, जो मुसलमानों का कह सकते हैं इनडायरेक्टली, जो संविधान के सपोर्ट कर रही है, जो कैब को सपोर्ट कर रही है, जो सॉरी अपोज कर रही है, तो वो उन पार्टियों को देखते हैं कि ऐसी कितनी पार्टियां हैं और कौन कौन से राज्य की पार्टियां हैं। तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि BJP के अलावा कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो कैब को अपोज कर रही है। हालांकि इसकी वजह से बहुत सारे दंगे भी, बहुत सारे लोग रोड पर भी आए, बहुत सारे एहतजाज किए लोगों ने, बहुत सारे लोगों की मर्डर भी हुआ कह सकते हैं एक तरह का, और बहुत सारे लोगों पर जुल्म भी हुआ। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो के अंदर ऐसी कितनी पार्टियां हैं और कौन कौन सी पार्टियां हैं। सबसे पहला JDU बिहार की पार्टियां है नीतीश की, जो कि इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया था, लेकिन बाद में फिर ये अपोज करने लगे थे। SAD एक पार्टी है पंजाब की, वो भी अपोज कर रही है इसकी। इसके अलावा आसाम की एक पार्टी है, और आसाम में तो खैर NPR लागू भी नहीं कर रहे वहाँ पर। इसके अलावा आसाम में तो गवर्नमेंट की तरफ से लागू ही नहीं हो रहा है, और जबकि बंगाल में और तमिलनाडु में, केरल में, ये लोग वहाँ की CM जो है वो उसको मना कर रही है। तो खैर आगे चलते हैं हम लोग। AIADMK तमिलनाडु की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। NPF नागालैंड की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। इसके अलावा MNF मिजोरम की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। इसके बाद SKM सिक्किम की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। JJP हरियाणा की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। और BJD उड़ीसा की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। YSR आंध्र प्रदेश की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। आप यानी कि दिल्ली की पार्टी केजरीवाल, तो ये भी अपोज कर रही है। और इन्होंने कई सारे सवाल भी बड़े तीखे तीखे किए थे एक इंटरव्यू के अंदर, जब इनसे पूछा गया था कैब के बारे में, तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप क्या चाहते हो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पर आ जाएं, वो जो माइनॉरिटी है वो आना चाहे तो आ जाएँ। तो अगर 3 से 4 करोड़ वो लोग हैं वहाँ पर माइनॉरिटी, अगर वो सारे के सारे लोग अगर इंडिया में आ गए, तो आप किस कहाँ रखोगे, कहाँ घर कहाँ से दोगे, रोज़गार कहाँ से दोगे। तो अच्छा, उन्होंने सवाल भी कुछ तीखे सवाल भी पूछे थे, अच्छा लगा था लोगों को भी। TMC जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। CPIM केरला की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। इस तरह JMM झारखंड की पार्टी है, और जो कि अभी कल शपथ ग्रहण भी किया उन्होंने हेमंत सोरेन ने, क्योंकि जीत हासिल इन्हीं की हुई थी। और INC कांग्रेस, RJD बिहार की पार्टी है, लालू की पार्टी है। इसके अलावा DMK तमिलनाडु की पार्टी है। TDP आंध्र प्रदेश की पार्टी, ये भी अपोज कर रही है। TRS तेलंगाना की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। NCP महाराष्ट्र की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है अभी। SP और BSP उत्तर प्रदेश की पार्टी है, ये भी अपोज कर रही है। इसके अलावा AM तो वो कर ही रहे हैं, ये मत समझना कि MIM का नाम यहाँ पर नहीं है तो अपोज नहीं कर रही है, वो तो खैर लगे हुए ही है। कल जलसा हुआ, कर लोगों की भीड़ हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने दिखाया कि किस तरह से लोग गवर्नमेंट काम कर रही है। उन्होंने वहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, आसाम के अंदर मुसलमानों की हालात समझाने की कोशिश की, जामिया के साथ जो हुआ, जो जुल्म हुआ वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश की, MU के अंदर कैब NPR क्या है, ये सारी चीज़ें के ऊपर वहाँ पर बातचीत हुई। तो ये पार्टियाँ ऐसी है जो फिलहाल अपोज कर रही है, और बहुत हद तक, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है जो सपोर्ट कर रही है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ही मेरे जानने वाले जो स्टेटस वगैरह लगाते फेसबुक पर गैर मुस्लिम है, पहले ठीक थे लेकिन अभी उनका स्टेटस से पता चल जाता है कि नहीं, उन्हें पसंद है, करना चाहिए, उनको लगता है कि मुसलमान सारे पाकिस्तान से ही आए। खैर उनकी अपनी सोच है, राय है, जो भी है, लेकिन ये सारे, अगर ये सारे लोग एक साथ हो रहे हैं तो ये अच्छा सिंबल है, अच्छी निशानी है कि इंशाल्लाह आगे चलकर ये बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, बहुत बेहतर नतीजा होगा, संविधान के हक में नतीजा होगा, लोगों के हक में नतीजा होगा, और यहाँ के शांति के लिए जो काम है, जो चीज़ें चाहिए उसके हक में नतीजा होगा। शुक्रिया।